दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आज दिन भर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक और मुंबई से लेकर पुणे तक विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन दिल्ली में आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सीधे पीएम मोदी पर प्रहार किया है और यह भी दावा किया कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इसका बदला 2024 में इंडिया गठबंधन लेगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में जैसे ही ईडी संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार करके ले जाती है, उसी के बाद से समझ में आ जाता है कि आम आदमी पार्टी अब धरना भी देगी, ईडी और सीबीआई के खिलाफ हल्ला भी बोलेगी। और अगले ही दिन सुबह होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पर जुट जाते हैं, फिर शुरू होता है विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी स्टाइल। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का धरना फिक्स हुआ तो तैयार दिल्ली पुलिस भी हो जाती है। जैसे ही आपका विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, पुलिस भी कहती है आप प्रोटेस्ट करो, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो प्रोफेशनल तरीका होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करने का, उसका इंतजाम है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। फिर सब कुछ दिल्ली पुलिस के हिसाब से होता है। यह आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से कुछ दूरी पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपके कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बढ़ने नहीं देती। कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ जाते हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पुलिस के आगे बेबस हो जाते हैं। ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। आप सड़क के ऊपर शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप आवाज नहीं बुलंद कर सकते। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पोस्टर लेकर पहुंचे, उन पर लिखा होता है संजय सिंह झुकेंगे नहीं, क्योंकि संजय अब इंडिया गठबंधन की कमेटी के अहम सदस्य हैं। ऐसे में वहाँ इंडिया गठबंधन के पोस्टर भी नजर आते हैं और संजय सिंह के पिता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। आप इस स्वच्छ पार्टी के बहादुर सिपाही हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करेंगे जिससे आपका लीडर अंदर हो गया है तो आपकी बदनामी। संजय सिंह के पिता बेटे की गिरफ्तारी को इमरजेंसी से जोड़ते हैं और 2024 के चुनावों में बीजेपी की हार की हुंकार भरते हैं। राजनीतिक तौर पर यह वर्तमान सांसद की जो है हताशा है, और आप याद करें 75 की इमरजेंसी को, 75 में भी सोचा गया था सबको जिला कारागार में डाल करके आवाजें बंद कर दी जाएगी, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो पूरी पार्टी साफ हो गई थी। इनकी सत्ता बदलने जा रही है, अभी बहुत सी इस तरह के कुकृत्य करेंगे। आपकी भीड़ से एक शोर उठता है, संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संजय सिंह शेर है, शेर है, संजय सिंह शेर है, शेर है। आखिर ताकत तो है भाई, ईडी और सीबीआई, आखिर ताकत तो है भाई, ईडी और सीबीआई। लोकतंत्र की हत्या बंद करो के पोस्टर नजर आते हैं, ईडी और सीबीआई बीजेपी के भाई के पोस्टर लेकर कार्यकर्ता आते हैं, संजय सिंह को रिहा करो के पोस्टर दिखाए जाते हैं। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में छापे पड़ते हैं, उनको डिटेन किया जाता है, उसके बाद टीएमसी के सांसदों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया जाता है। कल संजय सिंह के घर पे रेड होती है, कुछ नहीं मिलता, फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये एक अघोषित आपातकाल है, इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इंडिया अलायंस के सामने आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले। आपके दफ्तर के बाहर ईडी सीबीआई मोदी भाजपा के विरोध में नारे गूंजते हैं। संजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे देश में जो अब संसद में दहाड़ते हैं, सड़क पे दहाड़ते हैं और बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए इसी डर से संजय सिंह की आवाज को बंद करने के लिए उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्यकर्ताओं के इसी हुजूम में केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहते हैं और वो भारत माता का नारा लगवाते हैं। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे
और पूरी ताकत से, अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाएंगे, जिसके आवाज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। संजय सिंह के लिए आपका विरोध प्रदर्शन चला तो एक पोस्टर ये भी देखने को मिला, संजय सिंह पर छापेमारी, लोकतंत्र से हो रही गद्दारी का पोस्टर भी है। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने कल संजय सिंह को गिरफ्तार करके अपने 2024 के चुनाव का ऑफिशियल कैंपेन का आगाज कर दिया है। ईडी, सीबीआई और बीजेपी का जो गठबंधन है, सबसे ताकतवर गठबंधन भाजपा को लगता है यही है। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर संजय सिंह के लिए कार्यकर्ता दहाड़ते रहे, पीएम मोदी, बीजेपी, ईडी, सीबीआई पर अटैक करते रहे, तो सीएम केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार बताया और ये भी दावा किया कि बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का खामियाजा संजय सिंह भुगत रहे हैं। केजरीवाल ने चेतावनी दी, जब पीएम मोदी की सरकार जाएगी तब सबको पता चलेगा। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके इस विरोध प्रदर्शन में जो खास बात देखने को मिली वो ये कि सबने 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर अटैक किया और 2024 में मोदी की हार की बात बार बार कही। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी एक तरफ तो खुद को कट्टर ईमानदार बताया और दूसरी तरफ ये भी कहा कि संजय सिंह पीएम मोदी के भ्रष्टाचार को जानते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। अब पिछले एक साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने एक हजार से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको एक साल के अंदर। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। इधर आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर पर संजय सिंह के गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो राजघाट पर केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ धरना देने बीजेपी वाले भी पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता राजघाट पर पोस्टरों के साथ खड़े हैं जिन पर लिखा है केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से दिल्ली की जनता को मुक्ति हेतु प्रार्थना। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक प्रहार करती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त हम राजघाट में आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद भी यहां पर हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं एक तरीके से कि दिल्ली के जो लोग हैं वो देखें कि क्या दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या उसको दिल्ली में अब रहना चाहिए या नहीं। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में ही विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ बल्कि मुंबई में भी आपके कार्यकर्ता चेहरे पर संजय सिंह के मास्क लगाकर उतरे तो उन्हें पुलिस गाड़ियों में उठा कर ले गई। पुणे में भी आपके कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोला, कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए लेकिन यहाँ भी पुलिस उठाकर ले गई। चंडीगढ़ में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आपके कार्यकर्ताओं ने पुतले फूंके और बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच किया लेकिन चंडीगढ़ में भी पुलिस ने रास्ता रोक लिया। सेक्टर 37 में इस सड़क को
बैरिकेडिंग के जरिए रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कई कार्यकर्ता तो इस वक्त इस बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ गए, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला जलाया गया। इन कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि इस बैरिकेडिंग को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बाहर जाकर धरना दिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के दिन भर के विरोध प्रदर्शन के बाद जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर फैसला सुनाया तो उसमें संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।